5G टावर टेस्टिंग से जुड़े कई वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा कि कोरोना की सेकेंड वेव इसके कारण आई है। इसके कारण ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जहां एक तरफ सरकार 5G टेस्टिंग के लिए सभी कंपनियों को मंजूरी दे चुकी है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक नया मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी 5G टेस्टिंग के कारण आई है। इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए जान लेते हैं। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव 5G टावर की टेस्टिंग के कारण आई है। इसमें कहा गया है कि जैसे पुराने जनरेशन के मोबाइल नेटवर्क 4G ने पक्षियों को मार डाला, वैसे ही 5G नेटवर्क जानवर और मनुष्यों को खत्म कर देगा। इसके साथ इस पोस्ट में इन टावरों को लगाने को लेकर विरोध भी जाहिर किया जा रहा है। हालांकि इस वायरल पोस्ट में किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं दिया गया। द क्विंट ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में 5G टेस्टिंग के इन दिनों शुरुआती दौर में और अभी से जुड़े छोटे मोटे टेस्ट किए जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि कोविड-19 के केस और मौतों के 5G नेटवर्क से जुड़े होने के कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। चलिए जान लेते हैं कि वायरल मैसेज में क्या दावा किया जा रहा है। यह वायरल मैसेज हिंदी में लिखा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना की सेकेंड वेव 5G की टेस्टिंग के कारण आई है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है इसका रेडिएशन हवाओं को जहरीला बना देता है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और उनकी मौत हो जा रही है। इसके साथ इसमें 4G 5G रेडिएशन के दुष्प्रभावों को लेकर एक लिस्ट भी जारी किया गया और साथ ही लोगों को इस टेक्नोलॉजी का विरोध करने के लिए भी कहा जा रहा है। इस मैसेज में कुछ ऐसे ही टेक्स्ट फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जिसकी लोग प्रूफ जाने बिना ही इसको लगातार शेयर की जा रही हैं। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में 5G या 4G की वजह से कोरोना की सेकेंड वेव आई है? अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।